नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमन सारडा और स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल ऑटो गैजेट्स राय में। आशा करता हूं आपको हमारा पहले वाले वीडियो अच्छे लगे होंगे। अगर लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ घंटे को दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो हमारे मिलते रहे, और लाइक बटन दबाना ना भूलिएगा। आज क्या बात करेंगे, आज आपके साथ कुछ न्यूज़ शेयर करेंगे, तो चलिए देखते हैं। क्वालकॉम ने इंट्रोड्यूस करवाया 3 नए चिपसेट से, और ये 3 चिपसेट का नाम है 632, 439 और 429। बात करी जाए सबसे पहले 632 को, तो 632 आता है 4K वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ, साथ ही साथ यहाँ पे आपको फुल HD प्लस रेजोल्यूशन मिल रहा है, यानी फुल विजन डिस्प्ले आपको यहाँ मिलेगा। बात की परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे इसे 40% इम्प्रूव किया है इसकी परफॉर्मेंस को, और ये हो पाया है कायरो 250 CPU और एड्रीनो 506 GPU के कारण। बात की जाए कैमरा की, तो यहाँ ये सिंगल कैमरा सपोर्ट करता है 24 मेगापिक्सल का, तो वहीं ड्यूल मेगापिक्सल की बात की जाए तो ये 13-13 मेगापिक्सल के ड्यूल कैमरा सपोर्ट कर सकता है। और जैसा हमने स्टार्टिंग में बताया, ये 4K तक आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी। यहाँ पे X9 LTE मॉडेम आपको मिल रहा है, साथ ही साथ जो X9 LTE है वो सपोर्ट करता है एडवांस LTE को, तो वहाँ पे आपको उसके भी फीचर्स मिलेंगे। तो ओवरऑल आपको नेटवर्क क्वालिटी 632 में बेहतर मिलने वाली है। बात की जाए 439 और 429 की, तो कंपनी का कहना है कि इन दोनों की जो CPU परफॉर्मेंस है और जो पावर एफिशिएंसी है उसे 25% तक बढ़ाया गया है। ओवरऑल आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस पहले से अच्छी मिलने वाली है। अब बात की जाए क्या आपको GPU मिल रहा है और कौन सा आपको कोर्स मिल रहा है, तो यहाँ पर 439 के अंदर आपको एड्रीनो 505 GPU मिलेगा और आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर यहाँ मिलने वाला है। अगर बात की जाए इम्प्रूवमेंट की, तो यहाँ आपको 20% फास्टर ग्राफिक रेंडरिंग मिलने वाली है, तो ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस आपको जो लो बजट के स्मार्टफोन है उनमें अच्छी मिलेगी इस बार। अब बात की जाए 429 की, तो 429 आता है एड्रीनो 504 GPU के साथ, और इसे इसकी जो ग्राफिक रेंडरिंग है उसे 50% तक बढ़ाया गया है। तो यहाँ पे आपको दोनों प्रोसेसर के अंदर गेमिंग पहले से बेहतर मिलेगी, और जो लो रेंज स्मार्टफोन्स आते हैं उनमें आपको पहले से बेहतर परफॉर्मेंस के साथ साथ गेमिंग अच्छी मिलने वाली है। तो बात की जाए अब कैमरा की, तो 439 सपोर्ट करता है 21 मेगापिक्सल को, ये सिंगल कैमरा है, वहीं अगर ड्यूल कैमरा इसके अंदर लगाया जाएगा तो वो 8-8 मेगापिक्सल का होगा, और ये सपोर्ट करता है फुल HD प्लस रेजोल्यूशन को, तो यहाँ पे भी आपको फुल विजन डिस्प्ले मिलने वाली है, तो लो रेंज में भी आपको फुल विजन डिस्प्ले अब मिलेगी। वहीं बात की जाए 429 की, तो 429 में आपको मिलेगा सिंगल 16 मेगापिक्सल का कैमरा, वहीं अगर ड्यूल कैमरा अगर लगाया जाए तो यहाँ आपको 8-8 मेगापिक्सल के दो कैमरे मिलेंगे। बात की जाए इसके डिस्प्ले रेजोल्यूशन की, तो यहाँ HD प्लस रेजोल्यूशन मिलेगा, ये हमें लगता है कि 429 5000 तक होगा, वहीं 439 हमें लगता है 9000 के अंदर अंदर ये मिलेगा, और अगर 632 की बात की जाए तो हमारे को लगता है ये 13000 से अंदर अंदर में ये प्रोसेसर हमारे को स्मार्टफोन में मिल सकता है। ये हमारी हम सोचते हैं कंपनी क्या लाती है, कौन सी कंपनी किस हिसाब से लॉन्च करती है, उनके ऊपर है। बात की जाए दूसरी न्यूज़ की, तो दूसरी न्यूज़ है आसूस ने फाइनली रिवील कर दिया है कि वो लॉन्च करने वाली है Zenfone 5Z, वो भी इंडिया में, और 4 जुलाई 12 बजे ये लॉन्चिंग होगी। अब देखना है इसकी क्या प्राइसिंग होगी, क्योंकि इसके प्रोसेसर आता है 845 के साथ, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस तो हमारे को मालूम है गजब होने वाली है, पर सबसे मेन चीज़ है इसकी प्राइसिंग। हमें लगता है ये 35,000 तक के अंदर लॉन्च हो सकता है, और दूसरी खुशी की बात ये भी है कि आसूस ला सकता है Zenfone Max Pro M1 6GB RAM वेरियंट इस जुलाई को, तो या तो वो स्टार्टिंग में लाएगा या मिड में लाएगा, तो ये भी देखना होगा। और ये दो बहुत अच्छी न्यूज़ है आसूस लवर्स के लिए जैसे मेरे लिए। हम कोशिश करेंगे कि 5Z का आपको रिव्यू ला सकें, वादा तो नहीं करते पर कोशिश हम करेंगे। अब बात की जाए थर्ड न्यूज़ की, है कि हमने जो रिव्यू दिया था आपको फ्री सोलो एसेट वायरलेस इन ईयरफोन का, तो अभी हम बाहर जा रहे हैं, तो वहाँ हम इसे टेस्टिंग करेंगे और देखेंगे हमारे को ओवरऑल आउटर में कैसे इसकी परफॉर्मेंस मिलती है, और उसके बाद हम फाइनल वर्डिक्ट बनाएंगे। तो
तो आशा करता हूँ आपको ये सारी न्यूज़ सुन के अच्छा लगा होगा, आपके चेहरे पे खुशी आई होगी। अगर आई है तो लाइक बटन दबाना ना भूलिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलिए। मैं था आपका दोस्त अमन सारडा, आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय।